11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है? तो ऑप्शन के आधार पर अगर देखे जाए तो देखेंगे नीलांबर पीताम्बर पलामू में स्थित है। पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है? तो तकनीकी शिक्षा, या देखिए पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है, तो तकनीकी, जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं उनके लिए। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को पराजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग। 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय को जब 1992 विभाजित किया था तो किस में बदले? तो विनोबा भावे, इसका मतलब विनोबा भावे 1992। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा जी, चाईबासा। किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तब सोच लीजिए कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना किससे विभाजित होकर हुई? तो रांची विश्वविद्यालय से। तो रांची विश्वविद्यालय से विनोबा भावे भी बना और कोल्हान विश्वविद्यालय भी बने। निम्न में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है? किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान से रिलेटेड नहीं है? तो कोल्हान में तो तीन जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला। ये तीन के अलावा जो बचेगा उसमें टिक करते ना अभी। नेक्स्ट, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में है? अभी बताया गया है तो पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन।